गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं टैली ERP 9 की क्लास। टैली ERP 9 प्रीवियस वीडियो में मैंने कंपाउंड यूनिट बनाना आपको सिखाया हुआ था, आज मैं उसी से आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी आज इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं कंपाउंड की ही बात करता हूँ, शायद आप लोगों ने चला लिया होगा, बीच में कुछ क्लास ब्रेक हुई थी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वर्क होने के कारण। तो आगे हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं कंपाउंड, एक बार रिवाइज कर रहा हूँ मैं आपको, ध्यान दीजिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कंपाउंड यूनिट का मतलब होता है जब हमें कुछ ऐसी मात्रा को मर्ज करना हो जिससे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1000 जब ग्राम्स मिल जाए तो ऑटोमेटिक किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए, 12 पीसेस हो जाए तो दर्जन में कन्वर्ट हो जाए, ऐसी यूनिट मैंने आपको दिखाया भी था। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स और हम सीखेंगे, लेकिन मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी कि यदि आप किसी भी एंट्री में चेंजेस करना चाहते हैं, यूनिट में चेंजेस करना चाहते हैं, तो फर्स्ट स्टेप आप कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि यूनिट आपने बना लिया और उसकी आपने एंट्री कर रखी है तो आप डायरेक्ट उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। यदि कोई भी अल्ट्रेशन आपको करना है तो उससे रिलेटेड पहले एंट्री को डिलीट करना होगा, इसके बाद उसके स्टॉक आइटम्स को डिलीट करना होगा, फिर जाके हम यूनिट में चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया हुआ है। तो पहले तो मैं आपको एक बार यही क्लियर करना चाहूँगा। ओके, आइए इन्वेंट्री स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं इन्वेंट्री में चेक करा देता हूँ कौन से यूनिट आपके पास है। अभी मेरी कोई एंट्री नहीं, आज मैंने डिलीट कर दिया है, सारी एंट्री डिलीट है, ना कोई स्टॉक आइटम है, सिर्फ यूनिट्स बनी हुई है, ग्राम केजी और नंबर्स हैं और दर्जन से। ओके, अब मैं एक कंपाउंड एंट्री पहले क्रिएट कर रहा हूँ। यूनिट कंपाउंड यूनिट को क्रिएट करने के लिए नोट कर लीजिए कॉपी में, यूनिट मेजर में जाएंगे, क्रिएट, यहाँ पे आप कंपाउंड, जैसा कि मैंने बताया था कंपाउंड यूनिट को क्रिएट करने से पहले सिंपल यूनिट आप क्रिएट कर लेंगे जिसको भी कंपाउंड करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको ग्राम से किलोग्राम, तो मैंने ग्राम की यूनिट भी बना लिया और किलो की भी। अब मैं कन्वर्ट करूँगा ग्राम टू किलो में, तो आप बैक होंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे कंपाउंड। अब किसको आपको मर्ज करना है वो आप यहाँ देंगे, किलोग्राम्स केजीएस मैंने लिया है, और कितने में 1000 में कितने ग्राम्स 1 आप ये यूनिट देंगे। जैसे ही आप इसको एस करेंगे देख लीजिए कंपाउंड, मैंने यूनिट दिया केजीएस किलोग्राम, 1000 जैसे ग्राम हो जाए, कन्वर्जन में मैंने दिया 1000 जैसे ही ग्राम हो जाए ऑटोमेटिक वो किलो में कन्वर्ट हो जाए। ओके, मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। अब मैं आज आपको दिखाना जो चाह रहा हूँ ये बनाया, अब मैं इसके बाद आइटम्स क्रिएट किया। ओके, आइटम में मैंने राइस क्रिएट किया, राइस प्राइमरी यूनिट मैंने किलोग्राम्स किया, मेरा आइटम्स क्रिएट हो गया। अब मैं एक बेसिक एंट्री इसमें कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, परचेज करने के लिए F9 मैंने प्रेस किया, इनवाइस नंबर दिया, डेट दिया 1 अप्रैल को ही परचेज कर रहा हूँ, हाँ कैश कर लेता हूँ, कैश कर ले रहा हूँ, 50,000 रुपये मेरे पास कैश है। राइस जो मैंने बताया 50 किलो राइस, 50 रुपये किलो के हिसाब से 2500 रुपये का मैंने राइस लिया। अब यहाँ देखिए 50 किलो मैंने लिया, मैं यहाँ पे यदि लिख दूँ, ओके मैं लिख दूँ 50.750, ऑटोमेटिक इसको कन्वर्ट कर देगा 50 किलो 750 ग्राम। ओके, क्वांटिटी जो ही 50 किलो 750 ग्राम, रेट भी ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, इसमें नो डाउट होगा। ओके, इस प्रकार से आप यूनिट बना सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको एक्सेप्ट किया, एंट्री को अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि अब मैं जाऊं कि यूनिट में चेंजेस कर दूं तो संभव नहीं,
कैसे, मैं यहाँ पे गया, अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूनिट बदल दूँ, ओके, या डिलीट कर दूँ, इस यूनिट को मैं डिलीट कर दूँ। तो आप जब यहाँ जाएंगे, यहाँ पे ध्यान दें, आप देखेंगे डिलीट करने के लिए अल्टर में जाते हैं, अब अल्ट प्लस कंट्रोल डी को हम प्रेस करते हैं, लेकिन ये आपका डिसेबल रहेगा। ये देखिए, ये जब तक डिसेबल रहेगा जब तक इससे रिलेटेड आइटम होगा, और आइटम भी हम तब तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक उससे रिलेटेड एंट्री हो। देखिए, मैं यूनिट नहीं डिलीट कर पा रहा हूँ, मैं बैक होता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इससे बैक हुआ, मान लीजिए मैं आइटम डिलीट कर रहा हूँ, स्टॉक आइटम मैं डिलीट करना चाहूँ, अल्टर में गया, स्टॉक ये भी देखिए डिसेबल, अल्टर भी आएंगे कुछ नहीं होगा, ये भी नहीं, क्यों डिसेबल है ये, क्योंकि इससे रिलेटेड एंट्री है। मेरे स्टेप आप नोट कर लीजिएगा, समझते जाइए, ना तो मैं यूनिट डिलीट कर पा रहा हूँ, ना तो मैं आइटम डिलीट कर पा रहा हूँ, अब मैं एंट्री डिलीट करने जाऊँगा, ओके। एंट्री डिलीट करने के लिए मैं डिस्प्ले में गया, डे बुक गया, ये मेरी एंट्री है, ओके, इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। जब एंट्री डिलीट हो जाएगी तब आइटम डिलीट हो जाएगा, जब आइटम डिलीट हो जाएगा तो यूनिट भी डिलीट हो जाएगा। ये एक सीक्वेंस होता है, पिछले प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था लाकि, लेकिन आपको एक सीक्वेंस नहीं बता पाया था, मैं जो प्रॉब्लम आती गई थी फेस करते हुए उसको डिलीट कर पाया, इसलिए मैंने एक बार और आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर किया कि आप सीक्वेंस के माध्यम से उसको हटाएंगे, सबसे पहले एंट्री डिलीट करें, एंट्री के बाद आप आइटम्स डिलीट करें, और आइटम के बाद आप यूनिट डिलीट करें। मैं यहाँ पे एंट्री डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ एंट्री देखिए मैं एक्सेप्ट भी कर सकता, डिलीट भी और कैंसिल भी कर सकता, फिलहाल मुझे डिलीट ही करना है, अल्ट डी मैंने प्रेस किया, जैसे प्रेस करूंगा ऑटोमेटिक मेरे सामने मैसेज डिस्प्ले होगा, मैंने एस किया और मेरी एंट्री डिलीट। अब मैं इससे बैठ जाऊंगा, अब मैं इन्वेंट्री में फिर जाऊंगा, आपको दिखाना चाहूंगा, अभी भी मैं यूनिट डिलीट करूंगा तो यूनिट डिलीट नहीं होगी, एक बार चेक करा दूं आपको, ये देखिए डिसेबल, यहाँ पे यूनिट डिलीट नहीं होगी, लेकिन अब आइटम्स डिलीट हो जाएगा, जबकि इसके पहले आइटम भी डिलीट नहीं हो रहा था। मैं गया राइस एस एस, ये देखिए अब मैं यहाँ पे आइटम को डिलीट कर सकता हूँ, यू वांट टू डिलीट द आइटम, यदि मैं आइटम को डिलीट करना चाहता हूँ तो फ्रेश, सो फ्रेश अल्ट प्लस डी, टैली में क्या प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस डी, एस आइटम इज डिलीटेड, एस करेंगे आइटम इज डिलीटेड, आइटम आपका डिलीट हो गया। सो जब आइटम आपका डिलीट हो जाएगा, अब मैं यूनिट डिलीट करना चाहूँ तो यूनिट भी मेरी डिलीट हो जाएगी। ये देखिए, यदि मैं अब इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो ये भी मेरी डिलीट हो जाएगी, ओके। तो ये एक सीक्वेंस है, इसको आपको नोट करके रखना है, दिमाग में रखना है, ध्यान देना है, मैंने जैसा कि आपको समझाया। यदि आप यूनिट डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके रिकॉर्ड को चेक करेंगे, क्या जिसकी यूनिट डिलीट कर रहे हैं वो कहीं यूनिट किसी रिकॉर्ड में यूजेस है, किसी आइटम में यूज की गई है। दूसरी बात, जिस आइटम को आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो उसकी आपको पहले एंट्री चेक करना पड़ेगा, क्या इसकी एंट्री अवेलेबल है, यदि एंट्री अवेलेबल है, जब तक उसकी एंट्री अवेलेबल रहेगी तब तक हम उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे पे फंक्शनली डिपेंड हो जाते हैं, पहले हमको एंट्री डिलीट करना होगा, फिर आइटम डिलीट करना होगा, फिर जाके हम यूनिट को डिलीट कर सकते हैं। ये मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया, कंपाउंड तो आपको बता ही दिया था मैंने, बनाकर भी मैंने दिखा दिया था। अब मैं एक क्वेश्चन भी आपको दिया था, याद दिलाना चाहूंगा, सिर्फ एक स्टूडेंट ने मेरे पास अभी तक आंसर भेजा है, बाकी किसी ने नहीं भेजा है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। यूनिवर्सिटी एब्सेंट जाएंगे आप जाएंगे, मार्क्स कम आएंगे आपके, ओके। ये मैंने बोला भी था, दोनों ऑप्शन दिया हुआ था, या तो मुझे आप स्क्रीन शॉट टैली की भेजें या फिर आप कॉपी में लिख कर भेजें, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन चाहिए, इसलिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, हो सके तो भेज दीजिएगा, अदरवाइज आप से ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। यदि आप कुछ नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। चलिए, अब मैं फिर से आज कुछ नया बताने जा रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं क्वेश्चन दूंगा, यदि रिस्पॉन्स मिलेगा तो आगे मैं दूंगा और बताऊंगा, यदि रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं, ओके।
देखिए मैंने यूनिट कंपाउंड करके आपको दर्जन में बताया था और किलोग्राम में बताया था। आज मैं ऐसी यूनिट कंपाउंड करना बताना चाह रहा हूँ आपको। मान के चलिए पानी की बॉटल होती है, पानी की बॉटल इसमें आता है लीटर और मिलीलीटर। तो हम चाहते हैं यदि 200 मिलीलीटर हो जाए ऑटोमेटिक वो बॉटल में कन्वर्ट हो जाए। एक बॉटल 200 मिलीलीटर ऑटोमेटिक किसमें हो जाए बॉटल में, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ऐसे कंपाउंड मैं बनाना चाहता हूँ, बॉटल है लीटर है, ये 200 बॉटल ऑटोमेटिक यूनिट बॉटल में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप इस यूनिट को 200, 500 की बॉटल, 200 की बॉटल, इस प्रकार से आप यूनिट यदि बनाना चाहते हैं जो मार्केट में मिलती हैं, 500 मिलीलीटर की भी बॉटल मिलती है, 200 की भी मिलती है, 1000 की भी रखना चाहते हो मिलीलीटर तो 1000 भी रख सकते हो, या लीटर में रखना चाहते हो, जो भी हो एक फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहले तो मुझे देखिए एक बॉटल यूनिट बनानी पड़ेगी इसके अकॉर्डिंग, और दूसरी एक मिलीलीटर बनाना पड़ेगा। पहले तो हम सिंपल क्रिएट करेंगे और सिंपल लीटर भी बनाना चाहते हैं तो लीटर भी बना सकता हूँ मैं, ओके। तो पहले मैं ये यूनिट आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। पहले सिंपल यूनिट आपको क्रिएट करना है, करिए आप यूनिट क्रिएट, टाइप करिए कंपाउंड की जगह सिंपल होगा, और यहाँ पे जो भी चाहिए लीटर ही बना लेते हैं। तो लीटर में भी मैंने एक बना लिया जैसा कि आपको दिखाया, यदि मुझे लीटर चाहिए तो मैं लीटर भी बना सकता हूँ, ओके। आप इसको बना लेंगे, लीटर बनाने के बाद एक बॉटल के लिए BTL नाम आप फॉर्मल कोई भी दे सकते हैं। बॉटल, बॉटल के लिए मैंने एक बना लिया और एक मिलीलीटर। अब मिलीलीटर भी मुझको चाहिए, मैंने जैसा कि बताया मिलीलीटर को मैं कन्वर्ट करूँगा तो ML में आता है हमारा, तो ML मैंने बनाया और कितने मिली लीटर। ये मैंने सिंपल तीन यूनिट क्रिएट किया, लीटर बनाया, मिलीलीटर बनाया और बॉटल बनाया। अब मुझे कंपाउंड करना है कि 200 ml की यदि है तो ऑटोमेटिक बॉटल क्रिएट हो जाए, 200 मिलीलीटर हो जाए तो बॉटल में कन्वर्ट हो जाए, 500 ml हो जाए तो बॉटल में कन्वर्ट हो जाए। दो यूनिट मुझे मिले, ओके। मैं इसी में कंपाउंड कर रहा हूँ। अब कंपाउंड बॉटल कितने में, 200 क्या मिलीलीटर, नोट कर लीजिए फिर से देख लीजिए। कंपाउंड मैंने किया बॉटल कितने में, 200 और कितना मिलीलीटर। ऐसी ही आप कितनी भी यूनिट बना सकते हैं जितनी आपको आवश्यकता हो। पैक किया, फिर से मैंने कंपाउंड किया, बॉटल 500 में भी कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए कितना मिलीलीटर। इस प्रकार से यूनिट आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर लीजिए। जब आपकी ये यूनिट क्रिएट हो जाएगी, अब मान लीजिए स्टॉक आइटम में आप गए, स्टॉक आइटम जब क्रिएट करेंगे ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ओके। प्राइमरी यूनिट, ये देखिए हमारे पास कितनी बॉटल अवेलेबल है, हमारे पास एक बॉटल 200 ml की है, एक बॉटल 500 है। तो अब जो ड्रिंकिंग वाटर है ये किसका है, 200 ml का है कि 500 ml का है। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ड्रिंकिंग वाटर तो हमने लिख दिया लेकिन यूनिट हमको 200 वाली है कि 500 वाली है, ये कंफ्यूजन जनरेट करेगा। इसके लिए हमको एक अलग से आवश्यकता होगी जिसमें हमको पता चले, या तो ड्रिंकिंग वाटर मैं यहाँ लिखूं ड्रिंकिंग वाटर 200 ml, या तो मैं ऐसा लिखूं, फिर यहाँ गया हूँ और यहाँ कैसा लग कर दूँ 200 ml, तो मुझे पता चल जाएगा कि ड्रिंकिंग वाटर कितने का है, 200 ml का। ऐसे ही
ड्रिंकिंग वाटर 500 ml और प्राइमरी और यहां मैं 500 लिख दिया। ये देखिए, अब मैं जब परचेज या सेल करने जाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि जो ड्रिंकिंग वाटर मुझको लेना है 200 ml का लेना है कि 500 ml का। ओके, अब मैं मान लीजिए यहां एंट्री करने गया, मैं परचेज कर रहा हूं, वाटर परचेज कर रहा हूं, कैश परचेज कर रहा हूं। अब मैं आ गया, अब आप देखेंगे, ये देखिए ड्रिंकिंग वाटर 200 ml, ड्रिंकिंग वाटर 500 ml, कौन सी बॉटल आपको चाहिए वो आप यहाँ पे जानेंगे, वो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, जो आपको बॉटल चाहिए। 200 ml मुझे चाहिए, कितनी क्वांटिटी, मान लीजिए 10 क्वांटिटी मुझे 200 ml, रेट बता दीजिए बॉटल का, एक बॉटल कितने की है 200, 10 बॉटल। आप बॉटल को भी पैकेट में भी कन्वर्ट कर सकते थे कि 10 बॉटल हो गई ऑटोमेटिक 1 पैकेट या 1 कार्टून 1 बैग, जो भी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बॉटल आपकी कितने की है वो आप बताएंगे, 15 रुपए की, 150 रुपए की हो गई, और 500 ml की बॉटल आप कितने की दे रहे हैं, मान लीजिए 20 रुपए की परचेस कर रहे हैं, सॉरी 20 बॉटल परचेस कर रहे हैं, 20 की 400 रुपए की, 550 रुपए की हमने बॉटल खरीद। तो इस प्रकार से हम मेंटेन कर सकते हैं, हमको क्लियर हो गया कि ड्रिंकिंग वाटर की जो बॉटल है 200 ml की है, एक हमारे पास 500 ml की बॉटल है, और मैंने 10-10 बॉटल क्वांटिटी मंगाई, एक जो हमारे पास 10 ml की और 200 ml की बॉटल है 10 पीसेस 15 रुपए रेट में, और जो 500 रुपए की है वो 20 रुपए रेट। इस प्रकार से आप एंट्री एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, तो एक तो मैंने कंपाउंड एंट्री आपको इसमें समझाया, ml और बॉटल से रिलेटेड, लीटर से रिलेटेड, ऐसे लीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं, एज ए पैकेट या बॉक्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक इसी से रिलेटेड यदि इस प्रकार की एंट्री है तो टैली आरपी 9 एक फीचर हमको और प्रोवाइड करता है, वो फीचर्स क्या है आज मैं इस वीडियो में बताने अब जा रहा हूँ। कैटेगरी, हम कैटेगरी बना करके भी इस प्रकार के स्टॉक आइटम को मेंटेन कर सकते हैं टैली आरपी 9 में। तो कैटेगरी कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा आपके सामने, वो एग्जांपल मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको एग्जांपल बनाने को मैं दूंगा भी, ध्यान दें ये मेरे सामने एग्जांपल्स है जिसको आप कैटेगरी के रूप में आपको मेंटेन कर। 5 आइटम्स है मेरे पास, सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 शायद सबको दिख रहे होंगे, आप कॉपी में इसको नोट करेंगे, विशेष रूप से ध्यान दें सभी लोग इसको कॉपी में नोट करें, ये आइटम्स आपको दिख रहे होंगे। पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझिए इसको कैसे, इसको हमको टैली आरपी 9 में मेंटेन करना है, तो हम इसको टैली आरपी 9 में कैसे मेंटेन करेंगे, ये आइटम्स हैं हमारे पास, तो अब इनको हमको टैली आरपी 9 में मेंटेन करना है, तो कैसे मेंटेन करेंगे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। आप पहले कॉपी में ऐसे ही नोट कर लें, सीरियल नंबर है, स्टॉक आइटम है हमारे पास, लाइफ की एंट्री करने ही हम जा रहे हैं, जो हमारे पास स्टॉक आइटम है एक रियल लाइफ से एग्जांपल है, बासमती है, सुसी है, रेड राइस है, रिस्को है, पर बॉलेड है, राइस है, तो इस प्रकार से ये इसके स्टॉक आइटम के नेम हुए। अब स्टॉक आइटम में कई कैटेगरी भी हो सकती है और कई उनके ग्रुप भी बनाए जा सकते हैं, कई कंपनियाँ भी हो सकती हैं। एक छोटा सा मान लीजिए आप चावल ले रहे हैं, बासमती चावल चाहिए, ठीक है ना, हम मानते हैं बासमती और जनरल चावल आप दो जानते हैं, बासमती सोनम कोई भी लेने गए, बासमती चावल लेने गए, अब आपसे दुकानदार ये पूछेगा कि बासमती में कौन सी कंपनी का, बासमती किसी एक कंपनी का नहीं होगा, उसके पास कई कंपनी के होंगे, फॉर्चून में चाहिए आपको या फिर इंडिया गेट का चाहिए, किसका चाहिए बासमती चावल, तो उसके लिए हम स्टॉक मेंटेन करेंगे। फिर आपसे पूछेगा वो कैटेगरी कितना चाहिए, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो का पैकेट, 5 किलो का पैकेट, 20 किलो का पैकेट, कितने का पैकेट आपको चाहिए, इसलिए हमको उसको थ्री वे में कहीं ना कहीं मेंटेन करने की आवश्यकता होगी, या तो स्टॉक आइटम हम देंगे, स्टॉक ग्रुप हम देंगे, साथ में उसकी कैटेगरी भी हमको मेंटेन करना होगा। तो यदि हमको इसको मेंटेन करना है तो उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, स्टॉक आइटम जैसा हमने बताया आपको बासमती चाहिए हमको,
कौन सा ग्रुप चाहिए, कोनूर का चाहिए, इंडीज वैली का चाहिए, क्लासिक ब्रांड चाहिए, अमरीरा ब्रांड चाहिए, इंडिया गेट ब्रांड चाहिए, कौन सा ब्रांड चाहिए, बासमती में कौन सा ब्रांड चाहिए। ओके, इसके बाद उसकी कैटेगरी 25 किलो बैग में चाहिए, 50 किलो, 75 किलो, कितने में चाहिए, ये हमको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस कैटेगरी को या इस तरीके की स्टॉक आइटम को टैली आपकी 9 में हम कैसे मेंटेन करेंगे, आज इस वीडियो में मैं बताने आपको जा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं, इसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। सबसे पहले स्टॉक कैटेगरी को हम क्रिएट करेंगे, यूनिट क्रिएट करेंगे, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करेंगे और स्टॉक आइटम भी क्रिएट करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमें पहले तो यूनिट क्रिएट करने की आवश्यकता है। बैग में चूंकि हम सेल कर रहे हैं, हमें किलो और ग्राम में नहीं बेचना है, सीधा बैग बेचेंगे हम 25, 50, 75। हमें तीन बैग कैटेगरी हमारे पास 25, 50 और 75। ओके, 25, 50 और 75, तो ये तीन कैटेगरी स्टॉक कैटेगरी हमको बनाना पड़ेगा, 25, 75 और 50। दूसरा, इसके लिए यूनिट हमको बैग में बनाने पड़ेंगे कि ऑटोमेटिक बैग में, या तो कंपाउंड यूनिट हम बना लें, 25 किलो हो जाए तो ऑटोमेटिक बैग में कन्वर्ट हो जाए। ओके, ऐसा भी हम कर सकते हैं, 50 किलो हो जाए तो बैग में कन्वर्ट हो जाए, या फिर हम सीधा बैग एक यूनिट बना लें और हमारे पास कैटेगरी रहेगी 25 की, ऑटोमेटिक बैग में सेल हो जाएगी। दो रास्ते, फर्स्ट मैं आपको यूनिट बना रहा हूँ बैग, मुझे जो चाहिए बैग में चाहिए, मैं यहाँ पे गया, यूनिट क्रिएट किया, सिंपल यूनिट क्रिएट करूंगा मैं बैग्स, फॉर्मल नेम मैंने दे दिया, कंपाउंड अभी मैं इसमें क्रिएट नहीं कर, ठीक है। अब मुझे कैटेगरी बनानी पड़ेगी, कैटेगरी बनाने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान दें, कैटेगरी के लिए आप कॉपी में नोट करें। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गेटवे ऑफ टैली में रहना है, गेटवे ऑफ टैली में रहते ही आपको F11 फंक्शन की को प्रेस करना है, कीबोर्ड से फंक्शन की F11। ओके, आपके सामने स्क्रीन डिस्प्ले होगी, इसके अंदर आपको जाना है इन्वेंट्री फीचर्स। ओके, ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी इन्वेंट्री फीचर्स में, इसमें आपको मिलेगा मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, इसको आपको सेलेक्ट करना है, मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, ध्यान दें इस ऑप्शन को आपको एस करना है, मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, इस ऑप्शन को आप एस कर देंगे और एंटर, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, सिर्फ एक ऑप्शन, जैसे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, अब मैं इन्वेंट्री में जब जाऊंगा तो एक ऑप्शन इसको मुझे यहाँ पे नया मिल जाएगा, स्टॉक कैटेगरी यहाँ पे मिल जाएगा, स्टॉक कैटेगरी। ओके, अब देखिए आप इसको देखते चलेंगे, स्टॉक कैटेगरी में मुझे ये बनाना है 25 किलो बैग, मैं इसी को वहाँ मेंटेन कर देता हूँ, स्टॉक कैटेगरी में मैं गया, क्रिएट, 25 केजी बैग। ओके, मैंने इसको टाइप किया, इन्वेंट्री पच्चीस केजी बैग, ऐसे आपके सामने, ये ध्यान देना, स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन ना कि वाउचर्स। तो यहाँ पे आपने सीधा आप टाइप करेंगे 25 किलो बैग, एक बैग जो मैंने बना लिया 25 किलो, अंडर प्राइमरी ही आपको रखना है, एक मैं बना लेता हूँ 50 केजी और एक मैं बना लेता हूं 75 केजी बैग। ओके, इस तरीके से मेरी एक कैटेगरी बन गई। कैटेगरी के लिए फिर आप ध्यान दें,
सीधा सीधा आपको इन्वेंट्री इन्वेंट्री इनको के अंदर आपको जाना है स्टॉक कैटेगरी में और यहाँ पर मैंने क्रिएट किया, आप चेक करना चाहें डिस्प्ले करके कर लीजिए। 25 किलो का बैग है हमारे पास, 50 किलो का है, 75 किलो का है, ये मैंने कैटेगरी बना ली। अब मुझे क्या बनाना है, स्टॉक ग्रुप। देखिए एक ग्रुप हमको बनाना पड़ेगा, स्टॉक ग्रुप मुझे बनाना है। तो स्टॉक ग्रुप को बनाने के लिए जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूँ, इसी के अंदर आपको मिलेगा स्टॉक ग्रुप, आप क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट से एक्चुअल में उसकी शॉर्टकट की है तो आगे पहुँच जाता है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे टाइप करना पड़ेगा कोहिनूर, मैंने यहाँ आपको दिखा दूँ, यहाँ पे स्टॉक मेरा एक कोहिनूर है, ब्रांड है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया कोहिनूर ब्रांड। मैंने पहले कैटेगरी बनाई, इसके बाद स्टॉक ग्रुप बनाया। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिएगा, अंडर आपको कुछ नहीं करना है, एस कर देना है, प्राइमरी ही रखना है। दूसरा मैं एक और, बाकी आप बना लीजिएगा, एक दो ब्रांड मैं बता देता हूँ, इंडिया गेट ब्रांड एक मैं बना लेता हूँ, कैटेगरी मैंने तीन बनाई, ब्रांड मैं दो बना लेता हूँ, इंडिया गेट ब्रांड, ओके। एक मेरे पास कोहिनूर ब्रांड हो गया, ये बना हुआ है, एक मेरे पास इंडिया गेट ब्रांड हो गया, दो मेरे ब्रांड बन गए, ओके। तो आप ध्यान दें, यहाँ पे मैंने कैटेगरी बनाई, पहले तो यूनिट बनाया, यूनिट के बाद मैंने कैटेगरी बनाई, फिर स्टॉक बनाया, अब मैं स्टॉक आइटम बनाऊंगा, अब मुझे स्टॉक आइटम बनाना, ठीक है। मैं दो स्टॉक आइटम भी आपको बना के दिखा देता हूँ, स्टॉक आइटम कैसे आप बनाएंगे। स्टॉक आइटम, अब हम जाएंगे स्टॉक आइटम में, जब मैं स्टॉक आइटम में जाऊँगा क्रिएट, अब देखिए यहाँ पे मेन होगा, मेजर इस विंडो पे आप देखेंगे स्टॉक आइटम कौन से है मेरे, मैं आपको दिखा दूँ। बासमती एक तो मुझे बनाना है, बासमती राइस जो आपके इसमें दिया होगा, बासमती राइस, ओके। एक ब्रांड मैंने ये बना दिया, एक रेड राइस। अब जब बासमती राइस आपने किया, अब आप यहाँ जब जाएंगे अंडर, अब बासमती जो राइस है किसका है, इंडिया गेट का है या कोहिनूर ब्रांड का। आपके पास ब्रांड डिस्प्ले होंगे, बासमती तो हम खरीदने गए, लेकिन किस ब्रांड का, तो हमारे पास इंडिया गेट का, ओके। अब कैटेगरी, उसका पैकेट हमारे पास किसका अवेलेबल है, 25 किलो का कि 50 किलो का, आप चाहे तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, कोहिनूर ब्रांड का था, इसी का कर देता हूँ मैं, और 25 किलो का पैकेट था, तो यहाँ चेंज कर देता हूँ, इंडिया गेट की जगह कोहिनूर ब्रांड, और यहाँ पे 25 किलो का पैकेट। आप खरीदेगा कहे में, यूनिट, यूनिट क्या होगा, तो यूनिट के लिए हमने बैग्स बनाए हुए हैं, बैग, ये मेरी एक यूनिट क्रिएट होके आएगी। यहाँ पे बासमती राइस हुआ, किसका हुआ, कोहिनूर ब्रांड का हुआ, इसकी कैटेगरी कितनी हुई, 25 किलो बैग, 25 किलो का बैग मिलेगा, और यूनिट जो होगी बैग में होगी, अब जितना लेना होगा उतने बैग हम उसको दे देंगे, ओके। एक एंट्री मेरी हो गई। ऐसे ही बासमती और भी किसी ब्रांड का हो सकता है या और भी किसी कैटेगरी में अवेलेबल हो सकता है, वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। मान लीजिए रेड राइस, रेड राइस, अब ये किसका ब्रांड है, इंडिया गेट का है, कितने 50 किलो में अवेलेबल है, और बैग्स, मैंने दो ही एंट्री यहाँ पे किया। अब आपको पूरा कंप्लीट करना है, ये जो मैं यहाँ पे चार्ट दिखाया, आप इसको पूरा बनाएंगे और स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजेंगे, ओके। मैंने यहाँ दो ब्रांड आपको बताए, अब मैं जब सेल करने जाऊंगा, एक सेल की एंट्री भी मैं दिखा देता हूँ, या परचेस करने, परचेस ही कर लेते हैं। अब पार्टी से मैंने कैश खरीदा, ओके। अब देखिए, मैं एक तो बाटल हम सेल कर सकते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल था, बासमती चावल मुझे खरीदना है, यहाँ दिखा रहा है रेड राइस, बासमती राइस, रेड राइस हमको खरीदना है कि बासमती के, बासमती मुझे खरीदना है, बासमती कितना खरीदना है,
मान लीजिए मैंने दिया क्वांटिटी 10, बैग में मिलेगा 10 बैग खरीद रहा हूँ, किलो में नहीं 10 बैग, एक बैग कितने का है वो आप डिसाइड कर लीजिए। एक बैग मान लीजिए मुझे पड़ा 300 रुपये का, ओके, तो 3000 के 10 बैग हुए मेरे, ओके। ये देखिए इस तरीके से आप इसकी एंट्री अब करेंगे, बासमती क्वांटिटी मैंने 10 खरीदा, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी मैं आगे दिखाऊंगा आपको, रिपोर्ट में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, कैटेगरी और ब्रांड जो हमने बनाए इसके अकॉर्डिंग हम रिपोर्ट भी देखेंगे और जनरेट करेंगे, किस ब्रांड के हमारे पास कितना अवेलेबल है मटेरियल कितना नहीं है। तो मैंने पूरी आपको ब्रांड विथ इन्वेंट्री के बताया, ये वीडियो आपको चलाना है और देखना है। इसके बाद जो मैंने यहाँ पे आपको ये दिखाया, इस एग्जाम्पल को आपको पूरा करना है और इसके बाद मेरे पास आप इसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ध्यान दें ये पूरा मेंटेन करके आप देंगे, ओके। तो आज के वीडियो में यहीं पर क्लोज करें।